बिस्मा की जमीन जहां हजरत गुलजार शाह की दुआओं से नवर है, वहीं खुर्शीद अफसल बिस्मानी साहब की शायरी से मुअत्तल है। ये बहुत बड़ी जमीन है, इस जमीन को हम जरा फहराएं तो ये सीतापुर कहलाती है, और इसी सीतापुर में आता है खैराबाद, जहां से रियाज खैराबादी ने कहा था, रियाज खैराबादी ने कहा था कि हिनारा मेरी शायरी जरा मुख्तलिफ है, थोड़ी तवज्जो ज्यादा चाहती है मेरी शायरी। मेरी शायरी के टेबल में दो धुनी चार नहीं होते, दो धुनी पांच होते, इसलिए थोड़ी सी तवज्जो आपकी मैं ज्यादा चाहूंगा। मतलब पेश कर रहा हूं आप सबकी इजाजत चाहता हूं। अर्ज किया है कि दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाए, दर्द की हद से गुजारे तो सभी खाएंगे, चंद या देर से मारे तो सभी दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे। दरअसल हमारे शोरा ने अपने सुनने वालों पर भरोसा करना छोड़ दिया। जब हम भरोसा करते, हमारे यहां बॉम्बे में भी यही हो रहा है, एक ऑफिस में बैठ के चंद लोग ये फैसला करते हैं और ऐसी फिल्में बनाते हैं कि ये लोगों की समझ में आएगी और ये नहीं आएगी। तो जब हम भरोसा नहीं करते तो हम जंगली हसीना बनाते हैं, खून चूसती चुड़ैल बनाते हैं, और जब हम भरोसा करते हैं तो मुल्क बनाते हैं, आर्टिकल 15 बनाते हैं, थप्पड़ बनाते हैं। तो मैं अपनी शायरी में मुल्क, थप्पड़ और आर्टिकल 15 बनाना चाहता हूं, जंगली हसीना नहीं बनाना चाहता, और आप सब पे भरोसा करता हूं, इसलिए वही शायरी सुनाता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ जो मैं कागज के लिए लिखता हूं। दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, जल्द या देर से मारे तो सभी जाएंगे। शेर पढ़ता हूं कि नदियां लाशों को पानी में नहीं लगती है। थोड़ा पीछे जाएंगे तो ये शेर और आएगा। नदियां लाशों को पानी में नहीं लगती है, तैरे या डूबे किनारे तो सभी जाएंगे। लाशों को पानी में नहीं, शायरी बहुत बड़ी चीज है, बेशान न दे तो कोई एक किसरा नहीं दे सकता, शायरी बहुत बड़ी चीज है। नदियां लाशों को पानी में नहीं लगती, तैरे या डूबे किनारे तो सभी जाएंगे। तो मैंने कहा था कि अच्छी शायरी, अच्छी गजल इशारे में बात करती है। नदियां लाशों को पानी में नहीं लगती, आप पहुंचेंगे शेर तक, तैरे या डूबे किनारे तो सभी जाएंगे, चाहे कितनी भी बुलंदी पे चला जाए तो, चाहे कितनी भी बुलंदी पे चला जाए कोई, आसमानों से उतारे तो सभी जाएंगे। मैं पढ़ता हूं, चाहे कितनी भी बुलंदी भी चला जाए, आसमानों से उतारे तो सभी जाएंगे, आसमानों से उतारे तो सभी जाएंगे, और मस्जिदें
सबको बुलाती है भलाई की तरफ। मस्जिदें सबको बुलाती है भलाई की तरफ। अरे आप मेरे लिए रुके हैं तो मैं अपना 100% देके जाऊंगा। मस्जिदें सबको बुलाती है भलाई की तरफ, आए ना आए बारे तो सभी जाए। एक मसला और पढ़ता हूं, कहीं दादी कहीं नानी से अलग कर दिए गए। वाह, कहीं दादी कहीं नानी से अलग कर दिए गए। कहीं दादी कहीं नानी से अलग कर दिए गए, बच्चे परियों की कहानी से अलग कर दिए गए। कहीं दादी कहीं नानी से अलग कर दिए गए, बच्चे परियों की कहानी से अलग कर दिए गए। बच्चे परियों की कहानी से अलग कर दिए गए, कच्ची उम्रों में हमें काम पर लगा दिया। मैं पहली बार आया हूं लेकिन मेरी शायरी आप तक पहुंच चुकी है। पहली बार आपसे मिल रहा हूं लेकिन ये भी याद रखिए कि पहली मुलाकात और पहली मोहब्बत हमेशा याद रहेगी। बच्चे परियों की कहानी से अलग कर दिए गए, बच्चे परियों की कहानी से अलग कर दिए गए। हम वो बच्चे हैं, बच्चे परियों की कहानी से अलग कर दिए गए। कच्ची उम्रों में हमें काम पर लगा दिया गया, कच्ची उम्रों में हमें काम पर लगा दिया गया। हम वो बच्चे जो जवानी से अलग कर दिए गए, उम्रों में हमें काम पर लगा दिया गया, कच्ची उम्रों में हमें काम पर लगा दिया गया। हम वो बच्चे जो जवानी से अलग कर दिए गए, हम वो बच्चे जो जवानी से अलग कर दिए गए। और ये जो भीड़ होती है ना, सियासत भीड़ जमा करती है, वह इतनी कमर्शियल करता है। बच्चे परियों की कहानी से अलग कर दिए गए, जंग लड़ने के लिए सीन में लाए गए। सुनिएगा शेर, बिस्मा है बहुत सरखेज जमीन है। न मैं किसी शेर का मतलब बताऊंगा न किसी लफ्ज का मतलब बताऊंगा, आपकी तवील रहेगी। बच्चे परियों की कहानी से अलग कर दिए गए, जंग लड़ने के लिए सीन में लाए गए हम, अमन होते ही कहानी से अलग कर दिए गए। जंग लड़ने के लिए सीन में लाए गए, अमन होते ही कहानी से अलग कर दिए गए, अमन होते ही कहानी से अलग कर दिए गए। शेर सुनना यार के है, हम वो अल्फाज जिन्हें ठीक से समझा न गया। हम वो अल्फाज जिन्हें ठीक से समझा न गया, जब भी पीछे गए मानी से अलग कर दिए। जब भी हम वो अल्फाज जिन्हें ठीक से समझा क्या, जब भी लिखे गए मानी से अलग कर दिए गए। तोता चश्मों से खरीदी गई तोता चश्मे। देखिए हालात हाजरा, मैं बताऊं आपको कि कोई भी मौजू गजल का हिस्सा बन सकता है लेकिन वो गजल की तरह होना चाहिए। हमारे असातिज़ा में से शेर ऐसे ऐसे आए हैं कि दामन पे कोई दाग, ना खंजर पे कोई छींट, खंजर पे कोई दाग ना दामन पे कोई छींट, तुम तरो तरो हो के तराना मतलब। ये ऐसी शायरी शायरी होनी चाहिए, शायरी। मैं शेर पढ़ता हूं,
तोता चश्मों से खरीदी गई तोता चश्मी। वाह। तोता चश्मों से खरीदी गई तोता चश्मी, आंख वाले निगरबानी से अलग कर दिए गए। तोता चश्मों से खरीदी गई तोता चश्मी, आंख वाले निगरबानी से अलग अलग कर दिए गए। शेर पढ़ता हूँ कि पहले दुनिया ने सिखाया हमें तैराकी का फन। वाह। पहले दुनिया ने सिखाया हमें तैराकी का फन, तैरना आया तो पानी से अलग कर लिए। पहले दुनिया ने सिखाया हमें तैराकी का फन, तैरना आया तो पानी से अलग कर दिए गए। तैरना आया तो पानी से अलग कर दिए गए। ताल्लुकात को वहमो गुमा से काटते हैं। वाह। ताल्लुकात को वहमो गुमा से काटते हैं, जो तरमिया है उसे तरमिया से काटते हैं। वाह। ताल्लुकात को वहमो गुमा से काटते हैं, जो दरमिया है उसे दरमिया से काटते हैं। यहाँ से दो तीन शेर सुन ले। जो दरमिया है उसे दरमिया से काटते हैं, जो दरमिया है उसे दरमिया से काटते हैं। पढ़े लिखे हो तो तलवार रख के बात करो। वाह। शेर सुनना बिस्मा नहीं, शेर सुन के बता रहे। पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे हो तो तलवार रख के बात करो, जबान वाले जबान को जबान से काटते हैं। पढ़े लिखे हो तो तलवार रख के बात करो, पढ़े लिखे हो तो तलवार रख के बात करो, जबान वाले जबान को जबान से काटते हैं। और ये दुश्मनी भी कहीं दुश्मनी से जाती है। वाह। ये दुश्मनी भी कहीं दुश्मनी से जाती है। मियां चट्टान को आबे रवा से काटते हैं। मियां चट्टान को आबे रवा से काटते हैं। और ये शेर आपका शेर है। मियां चट्टान को आबे रवा से काटते हैं, हमारा जुर्म यही है कि बेकसूर है हम। वाह। हमारा जुर्म यही है कि बेकसूर है हम, जहां पे बोया नहीं था वहां से काटते। हमारा जुर्म यही है कि बेकसूर है, जहां पे बोया नहीं था वहां से काटते हैं।